हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। मैं छगन अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा में। सो स्टार्ट करते हैं आज की जो मैंने पोइम सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइटेस हैं जिनका जन्म मैसाचुसेट्स के एमहर्स्ट में हुआ था। 19th सेंचुरी की सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोइट्स में से इन्हें एक माना जाता है। इनकी जो पोइट्री है उसमें अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और एक्सटेंसिव डैश का यूज होता है और बहुत ही अनयूजुअल इमेजरी है। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है द ट्रीज लाइक, अब पहली लाइन में लाइक आया है। लाइक आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर पोइट ने एक सिमली यूज की है। तो ये एक सिमली यूज करता है लाइक से, करते हैं द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट। बार बार जगह जगह पे ये डैश जो यूज कर रही हैं, ये डैश जो ये एमिली डिकिंसन की एक खासियत है। तो यहाँ पे ये कहती हैं कि सर इमेजरी ये है कि यहाँ पर सूरज की बात कर रहे हैं, सूरज को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए इन्होंने सन को कैपिटलाइज बनाया है, कैपिटल में लिखा है, क्योंकि ये सूरज की इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं। तो ये कहती, ये एक गर्मियों के दिन की बात कर रहे हैं जहाँ गर्मियों के दिन के अंदर सूरज जो है वो बादलों के अंदर लुका छुपी हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट, कहता है कि सर पेड़ जो है टैसल मतलब जैसे कि अपने टैसल जैसे अपने कोई कुशन वगैरह में इन्होंने कुछ अपने वो लगे होते हैं ना धागे से, वैसे कहता है कि सर पेड़ जो हैं वो टैसल की तरह हिट और स्विंग कर रहे हैं। देयर सीम टू राइज ए ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर। मिनिएचर मतलब जो छोटे छोटे पक्षी हैं, मिनिएचर मतलब जो कहते हैं कि कोई जैसे कोई बड़े पक्षियों का छोटा रूप है। तो वो कहते हैं कि सर एक मिनिएचर क्रिएचर की तरह वो एक ट्यून बना रहे हैं अकम्पनिंग द सन। और वो जो ट्यून किसकी साथ लग रही है कि अब जैसे यहाँ ये इमेजरी तो ये है कि गर्मियों के दिन है और सूरज जो है वो बादलों के साथ हाइड एंड सीक लुका छुपी का गेम खेल रहा है। और पेड़ जो है वो टैसल, टैसल मैंने आपको बताया पर्दे के जो नीचे लगे हुए वो फुनगे से लगे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं कि सर पेड़ टैसल की तरह हिट कर रहे हैं। पेड़ एक्चुअली क्या एक एक लाइन में खड़े हैं और सूरज जो है वहाँ पे सूरज जो है वो स्विंग कर रहा है, सूरज बादलों की ओट में झूला सा झूल रहा है और एक ट्यून उठती लग रही है। और उस ट्यून में हमें क्या लगता है कि एक मिनिएचर क्रिएचर और एक मिनिएचर क्रिएचर्स की तरह एक छोटे से जीव की तरह सूरज जो है बादलों से निकलता है और वापस बादलों में जाके छुप जाता है। फार साल्ट्रीज ऑफ समर, साल्ट्री जो होता है इसका मतलब होता है धार्मिक गीत के। जो अब यहाँ ये कवित्री कहती है कि समर के यानी कि गर्मी की जो धार्मिक गीत गाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी पर धार्मिक गीत गाए जाते हैं, वैसे ही वहाँ गर्मी की आने की खुशी में धार्मिक गीत गाए जाते हैं। तो वो धार्मिक गीत की तरह जो समर के धार्मिक गीत गाए जा रहे हैं, जो कि कानों को इनेम्ड कर रहे हैं, कानों को प्यार से मुग्ध कर रहे हैं, कानों को क्या कर रहे हैं, कानों में इन्फ्लेमेशन भर रहे हैं प्यार की। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाइड, पर वो कहते हैं वो कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि पेड़ जो है वो कहते हैं कि सर पेड़ वहां खड़े हैं पर वो हमें कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर, व्हेन मोस्ट फेयर द सन शोन
द सन शोन होल एट इंटरवेल्स देन हाफ देन अटर हिट। अब यहाँ पे कहता है सूरज भी कभी कभी इंटरवेल इंटरवेल जैसे वो अपने मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ बीच में एक गैप आता है, उसे हम हिंदी में कहते हैं अंतराल। क्या सूरज भी कभी कभी अंतराल में आता है, कभी आधा आता है कभी और कभी पूरा आता है, होल मतलब पूरा आ गया, कभी आधा आ गया, कभी बिल्कुल अटर हिट, कभी बिल्कुल छुप जाता है, कभी बिल्कुल छुप जाता है सूरज, एज इफ हिमसेल्फ वाज वर ऑप्शनल एंड हेड स्टेट्स ऑफ क्लाउड्स। अब वो कहता है कि कभी कभी सूरज आता है तो कभी बादल उसे पूरा छुपा लेते हैं, कभी आधा छुपा लेते हैं। और वो कहता है कि ये बात देखकर पोइटस कहती है कि शायद ये जो सूरज जो है वो एक सूरज जो है वो ऑप्शनल था, उसकी इच्छा थी जैसा मर्जी वो करे, और या ऐसा लगता जैसे उसके पास बादलों की स्टेट थी। स्टेट मतलब जागीर, बादल जो थे वो उसकी प्रॉपर्टी थी, जब उसका दिल करता वो बाहर आता, जब इसका दिल करता वो छुप जाता। सफिशियंट टू एनफोल्ड हिम, सूरज और जो बादल हैं वो बार बार हर वो गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। बादल कभी कभी क्या करते हैं, सफिशियंट हो जाते हैं, पर्याप्त हो जाते हैं और वो उसे एनफोल्ड कर लेते हैं, अपने अंदर पूरी तरह छुपा लेते हैं, एटर्नली फ्रॉम व्यू। तब ऐसा क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि जैसे बादल जो सूरज है वो बिल्कुल एटर्नली हमेशा के लिए, ये हमें अब सूरज दिखना बंद हो जाता है, बादल सूरज को कुछ इस तरह से छुपा लेते हैं, एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज। लेकिन सूरज को भी एक तरह की विम विम होती, सनक, सूरज की भी एक तरह की सनक थी। अब देखिए हिज दिखाया है, हिज दिखाने का मतलब यही है क्योंकि वो सूरज को इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, सूरज की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, उसकी उसकी एक सनक थी, टू लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो, ताकि जो है वो ऑर्चर्ड्स मतलब फलों के बागीचे जो हैं वो फलों के बागीचे ग्रो कर सकें, उसकी एक सनक थी। जब आपको पता है अगर हमें गर्मी नहीं मिलेगी तो बगीचे में फ्रूट कैसे बढ़ेंगे। तो इसके बाद कहता है ए बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, और इधर जो है एक पक्षी जो है वो फेंस पर, फेंस होती है बाड़, बाड़ पर केयरलेस बैठा है, उसे कोई टेंशन नहीं है कि भाई इधर सूरज और बादल जो है वो क्या गेम खेल रहे हैं, उसे कोई टेंशन नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। वन गॉसिप्ड इन द लैंड ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक, बहुत ही शानदार एक इमेजरी देती है। अब वो कहती है कि सर एक जना एक पक्षी फेंस पे बैठा है और एक लेन में सड़क में अंदर गॉसिप गप्पे मार रहा है। अब वो कहता है ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन, एक बहुत ही शानदार इमेजरी देती है कि एक अब स्नेक जो है, स्नेक यहाँ पे इविल का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, तो कहता है कि सर और सूरज जो है वो अच्छाई का प्रतीक है, जो नेचर के अंदर जितनी भी इविल है उसे स्नेक सिंबलाइज करता है। वो कहता है कि सर ये जो थिंग्स है, जो बुराई जैसी जो थिंग्स हैं, वो चीजें भी नेचर के गेम को एंजॉय कर रही हैं। अब वो कहता है कि सर एक स्नेक है, मान लीजिए ये एक स्नेक है, एक स्टोन है, इस स्टोन के चारों तरफ ये इस तरह इस शेप का एक स्टोन, मान लीजिए एक स्टोन है जिसके चारों तरफ क्या है, स्नेक ऐसे कुंडली मार के बैठा है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन, वो कहता है कि सर एक सिल्वर कलर का एक सांप है, वो भी धूप सेकने के लिए एक पत्थरों से बाहर आता है और पत्थरों के चारों तरफ कुंडली मार के बैठ जाता है। ब्राइट फ्लावर सिल्ट एक कैलिक्स, ब्राइट फ्लावर सिल्क्स ए कैलिक्स एंड सोर्ड अपॉन ए स्टेम। अब उसके बाद में ये कहता है कि सर सूरज जो अब जब सूरज फलों के फूलों के ऊपर चमकता है तो जो छोटे छोटे कैलिक्स होते हैं, जैसे आपने वो जैसे मान लीजिए ये एक कली है, ठीक है सर, अब इसे इसके अपर को हम कहते हैं कैलिक्स,
अब वो कहता है कि जब ये जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये फट जाती है, कली फटती है और यहां से क्या है कुछ पंखुड़ियां बाहर निकलती हैं, ब्राइट फ्लावर सिल्ट ए कैलिक्स। तो वो कहते हैं कि इन इस कैलिक्स से इस से छोटे छोटे फूल बाहर आते हैं एंड सोल्ड अपॉन ए स्टेम, वो भी ये जो फूल बाहर आते हैं ये भी क्या करते हैं नेचर को एंजॉय करते हैं। और वो क्या करते हैं कि ये कहता है कि सर ये सोल्ड अपॉन ए स्टेम, ये कहता है कि ये फूल जो है वो स्टेम मतलब तना, तने के ऊपर ये फूल क्या है उगे हुए खड़े हैं। लाइक हिंडर्ड फ्लैक्स, लाइक एक सिमली यूज करता है, एक और सिमली यूज करता है जिसमें ये कहता है कि सर हिंडर्ड, हिंडर्ड मतलब होता है बाधा डालना। तो कहता है कि सर बाधा डालते हुए झंडों की तरह, अब ये एक इमेजरी देता है कि सर ये जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं ये फ्लावर प्लांट्स के स्टेम के ऊपर खड़े हैं और ये इस तरह से सनशाइन में खड़े हैं कि जैसे कि एक झंडा जो है वो आकाश में कोई झंडा ऊंचा उठा हो। तो ये एक इमेजरी देता है, स्वीट होइस्ट With spice in the hem। फिर ये कहते हैं कि सर इस फूल के ऊपर क्या है जो आगे खुशबू आ रही है जिससे क्या है कि हर तरफ से क्या है कि हेम जो होता है वो किसी स्कर्ट या पैंट या कोई कपड़े का नीचे वाला हिस्सा होता है। कहता है कि इस खुशबू से क्या है ये स्पाइस, कहता है खुशबू से क्या सारा वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। इट वाज मोर आई कांट मेंशन, और भी बहुत कुछ था लेकिन मैं कहती हूं मैं उसे मेंशन नहीं कर सकती, ये सुंदर दृश्य मेरी मेरे पास इसके लिए मेंशन करने इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतने ज्यादा शानदार दृश्य है। हाउ मीन टू दोज दैट सी। अब ये एक और यहाँ पे एक और हमें देती है कि एक और इमेजरी देते हैं कि जिन लोगों ने वेंडाइक का चित्र देखा हो जिसमें उसने डिलिनेशन ऑफ नेचर, नेचर के बारे में वेंडाइक नाम के प्रसिद्ध एक पेंटर ने जो चित्र बनाया है, जिन्होंने वो चित्र देखा हो तो वो चीज जो है वो लोग ही देख सक ये बता सकते हैं कि वो चित्र से कितनी ज्यादा बढ़िया ये इमेजरी है। और एक बहुत ही शानदार समर डे, गर्मी का दिन है। सो अब अपने बात करते हैं कि सर देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इस पोएम का थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इसमें आपको है कि डिकिंसन ने एक समर एक गर्मी के दिन के बारे में बताया है कि किस तरह सूरज उगता है और किस तरह बादलों के बीच छुप जाता है। और वो कहती है कि सर ये जो सन है ये बड़ा सनकी है और वो बार बार कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है क्योंकि उसे फूलों के बगीचे ऑर्चर्ड उगाने हैं, उसे जो स्नेक्स और बाकी बर्ड्स हैं और बाकी जो और एनिमल्स हैं उन्हें उनको उनका जिंदगी को बचाना है, उनकी लाइफ को सस्टेन करना है, इसके लिए सूरज बार बार बादलों से बाहर आ जाता है। अब इसकी हम एक और क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें इमेजरी, तो देखिए सर इमेजरी के क्वेश्चन के लिए आपको पता है इसने क्या है, गॉड को इसने ये दिखाया कि गॉड जो है वो पूरी की पूरी नेचर के अंदर प्रेजेंट है। और इसके लिए वो कहती है इसलिए उसने उसको पर्सनल सिग्निफिकेंस दिया है, उसने एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया है जिसने क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसने उसको ग्रासलैंड का बताया है, उसने फॉरेस्ट का, हिल का, फ्लावर्स का और कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स के बारे में बताया है। सेकेंड स्टैंजा में उसने बोला कि सर ट्री जो है वो जो एक गाना गाते हैं जो गाना हमारे कानों को क्या है बहुत ही अच्छा फील गुड फील कराता है। और एक और पिक्चर देती है जिसमें सूरज जो है वो हाइड एंड सीक का गेम खेलता है क्लाउड्स के साथ में और वो कहता है कि सूरज जो है बड़ा ही ज्यादा स्टर्न है, वो बादलों से छुपकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है। फोर्थ स्टैंजा में वो कहती है कि सूरज सोचता है कि मेरी प्राइम ड्यूटी क्या ऑर्चिड्स को उगाना है और बाकी बर्ड, स्नेक और टीनी एनिमल्स को उसकी लाइफ को सस्टेन करना है। फ्लावर्स भी जो हैं वो कैलिक से बाहर आ जाती हैं और आसमान में और हवा में झूलने लग जाती हैं। लास्ट स्टैंजा में वो वेंडिक के पिक्चर के बारे में बताती है तो किस तरह से रीडर कहता है कि रीडर उस सीन को समझ सकता है जो सीन उसे एकदम लाइवली दिखता है।
और बहुत ही शानदार तरीके से इसने नेचर का बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन किया है, जिसमें इसमें एक तो जो उसने ले बोले ना फार फार साल ट्रीज ऑफ समर एनोमरिंग द ईयर, बहुत ही शानदार इमेज है। एक जो इसकी ब्राइट ब्राइट फ्लावर्स सिल्टे कैलिक्स, ये जो इमेज है ये भी बहुत ही शानदार इमेज है। ये तीनों चारों इमेज जो हैं, जैसे देखिए ये बर्ड कैरीज ऑन फेंस, बहुत ही शानदार इमेज है इसकी, ये वाली ब्राइट फ्लावर वाली। तो इस तरह से ये जो इमेजरी, ये लाइंस आप याद कर लीजिए और इन्हें आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर जरूर लिखिए, तो इससे क्या होगा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स। एंड अच्छा, एक इसकी राइम स्कीम मैं आपको और बता देता हूँ। इसकी राइम स्कीम है सर, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ए बी ए बी। इसकी राइम स्कीम बिल्कुल सिंपल है, ए बी की राइम स्कीम है। अब मैं आप देखिए, मेंशन डेलिनेशन सी डे, तो ये जो है ये इसकी राइम स्कीम भी आप याद कर लीजिए, ए बी ए बी। जब इसकी पोएम के अंदर से अगर कोई स्टैंजा आता है तो आप इसकी राइम स्कीम भी लिख दीजिए, इसके इमेजरी के बारे में जरूर लिखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।